बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है एक बहुत ही मज़े का मीठा, जो कि मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आज मैं मीठा बनाना सिखा रही हूँ। बंगाली एक स्वीट डिश है जिसका नाम है मलाई चाप। तो आइए देखिए, मलाई चाप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मलाई चाप बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है 1 लीटर दूध, जो कि मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है। उसके अलावा उस दूध को हम जो फाड़ेंगे उससे खोया बनाएंगे या पनीर बनाएंगे, उसके लिए मैंने लिया है ये 2 टेबल स्पून लेमन जूस। उसके साथ 2 टेबल स्पून ही हम पानी लेंगे, सादा पानी है। 3 टेबल स्पून चीनी है, पिसी हुई चीनी। 1 टेबल स्पून मैदा है। 1.5 प्याली चीनी है, इस चीनी का हम शीरा बनाएंगे। और इस 1.5 प्याली चीनी का शीरा बनाने के लिए हमें तकरीबन 4 प्याली पानी चाहिए होगा। और ये खोया लिया है, जितना भी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से ये खोया ले सकते हैं। आइए देखिए अब हम किस तरीके से मलाई चाप बनाते हैं। ये 1 लीटर दूध है, ये देखिए बॉयल हो गया है। अब इसका चूल्हा जो है मैंने स्लो कर दिया, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं रखेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि हम इसका, ये देखें, इस तरीके से एक बॉयल इसमें आ जाए, फिर हम इसका चूल्हा जो है बंद कर देंगे। इतने गर्म में नहीं डालेंगे, चूल्हा बंद करके फिर हम इसमें लेमन जूस और जो 2 टेबल स्पून हमारा नींबू का रस था उसमें 2 टेबल स्पून ही हम पानी डालेंगे। ये उबल गया, अब इसका हम ये चूल्हा बंद कर दिया हमने। और इसमें ये 2 टेबल स्पून लेमन जूस और पानी ये डालेंगे, ताकि हमारा जो है मावा जो है एक तरीके का खोया बन जाए। ये हमने सारा इसमें डाल दिया। ये सिर्फ लेमन जूस डालने के बाद ही देख लें, ये दूध इस तरीके से फट गया है। अब मैं इस दूध को छान लेती हूँ और पानी अलग कर देती हूँ और जो इसका खोया है वो अलग कर लेती हूँ। अब हम इसका जो है मलाई चाप के मलाई बना लेते हैं। ये खोया है, आपको जितना पसंद हो आप उतना ले लें। मैंने 1 प्याली खोया लिया है और इसमें आप चाहें तो कोई फूड कलर डाल लें। अगर आपको फूड कलर पसंद हो तो आप फूड कलर डालें। इसमें हम डालेंगे चीनी, 3 टेबल स्पून जो आपको चीनी दिखाई थी वो डालेंगे। और इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, चूल्हा थोड़ा स्लो करेंगे और इसमें चाहे तो फूड कलर डाल दें। मैं इसमें फूड कलर डालूंगी। इसमें 1 ड्रॉप्स कलर डाल दिया है, फूड कलर। उससे ये कि ये जो हमारा मावा है ये अच्छा बन जाएगा और कलरफुल होगा। आपके पास कलर जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। और अब मैं इसको मिक्स करके उतार लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इस तरीके से मलमल के कपड़े में कर लिया, ये बिल्कुल पानी निकल चुका है इसका। अब इसको हाथ से ऐसे करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए और इसमें दाने बाकी ना रहें। इसके साथ ही ये जो 1 टेबल स्पून मैदा लिया था वो डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको इस मैदे के साथ मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल यकजान करना है। ऐसा करना है कि ये बिल्कुल चिकना हो जाए और इसमें बिल्कुल भी दाने बाकी ना रहें। तकरीबन हम इसको 5 से 6 मिनट तक हाथ से हथेली की मदद से इसको इस तरीके से मसलेंगे। ये इस तरीके से यकजान हो गया है। अब हम इसके जो है छोटे छोटे गोले बना लेंगे और उससे इस तरीके से इसके से यकजान हो गया है। इस तरीके से अब हम इसके एक छोटे छोटे इस तरीके से गोले बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाएंगे, इतने बनाएंगे कि कम से कम ये सही बने। ये देखिए इस तरीके से बना लिए हैं। अब इसको हम इस तरीके से करके ऐसे करके बनाएंगे, इसमें क्रैक कहीं भी ना हो, कहीं से भी ये टूटे हुए ना हो। और ये इस तरीके से बना के और रख देंगे। इसी तरीके से मैं ये सारे बना के आपको दिखाती हूँ।
शीरा बनाएंगे हम इसका। ये 1.5 प्याली चीनी है और इसमें 4 प्याली हम ये वाले मेजरमेंट के नाप के पानी डालेंगे। हमें इसका शीरा नहीं बनाना, हमें एक तरीके का इसका लिक्विड पानी चीनी का बनाना है। अब इसको हम पकाएंगे इतना कि ये चीनी जो है इसकी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके ये जो हमारी मलाई बनी चाप बनी थी हम इसको इस तरीके से इसमें डाल देंगे और इसको पकने देंगे। सारी इसमें डाल देंगे और इसका ढकना ढक देंगे और इसको दरमियानी आँच पे कर देंगे ताकि ये हमारी जो मलाई चाप है ये अच्छी तरीके से फूल जाए और अच्छी बड़ी साइज़ में बड़ी हो जाए। ये अच्छी तरीके से देखें पक रहा है और ये जो है साइज़ में बड़ी हो जाएंगी। चूल्हा जल रहा है, चूल्हा हमने बंद नहीं किया है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है इसका साइड चेंज कर देंगे और 5 मिनट इसको और पकाएंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। 5 मिनट और हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो चुकी है। अब चूल्हा इसका बंद कर दूंगी और इसको इसी में ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 1.5 से 1 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। 1 घंटा हो गया है, ये हमारी जो मलाई चाप की मलाई थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इस तरीके से इसको निकालेंगे ताकि ये इसका जो जितना भी शीरा है वो इसमें निकल जाए और इसमें ना रहे। इसी तरीके से एक एक करके मैं सारे निकाल लूँगी और इसको इस तरीके से कर लेंगे। और इस तरीके से मैं एक एक करके सारी निकाल लेती हूँ और फिर दिखाते हैं कि हम इसको क्या करेंगे। ये मलाई चाप हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको इस तरीके से छुरी से बीच में से काटूँगी ताकि ये कट जाए, एक पॉकेट जैसा बन जाए। इसको पूरा नहीं काटेंगे, सिर्फ इतना रखेंगे। और ये जो हमने मलाई बनाई थी खोए से ये उठाएंगे और ये इसमें इस तरीके से भरेंगे। इतनी भरेंगे कि कम से कम ये एक अच्छा सा बाइट साइज़ हमारा एक पॉकेट बन जाए। अगर आपको कम लगे तो आप इसको इस तरीके से और भर सकते हैं। अब इसका जो ऊपर का ये है इसको ये देखेंगे, इस तरीके से मैंने इसमें भर दिया है। अब इसको दिखाती हूँ, इसी तरीके से मैं ये सारे काटूँगी और आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम इसको डिश आउट करेंगे। मलाई चाप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने हाफ़ करके भी दिखाया है। आप चाहें तो ये जो हमने इसके अंदर की मलाई बनाई है उसमें कलर आप पिंक भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए येलो भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते। ये हमारी मलाई चाप बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। अपना अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।